नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। तो वक्त हो चला है प्रदेश की बड़ी खबरों पर नजर डालने का, तो चलिए सीधा नजर डालते हैं। राजधानी लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर मंगलवार सुबह शॉर्ट सर्किट से 2 ATM में अचानक आग लग गई। ATM में अचानक आग लगने से स्टेशन पर हड़कंप मच गया। RPF और GRP कर्मी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने एक ATM को पूरा जलने से बचा लिया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ममता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता जी, चारबाग रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लग गई है, इस हादसे से स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल है, और क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है आपको? प्रतीक्षा जी, बता दें कि चारबाग रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लग गई है जी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है जी। जी, मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। ममता जी, इस हादसे में कोई हताहत होने की सूचना आ रही है क्या? जी प्रतीक्षा जी, आग इतनी भयावह थी कि इंडियन बैंक का ATM पूरा जलकर खाक हो गया जी। घटना के तुरंत बाद से फायर ब्रिगेड की टीम, RPF और GRPF कर्मी मौके पर, फिलहाल किसी के आहत होने की खबर अभी सामने नहीं आई। ममता जी, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि चारबाग स्टेशन पर मंगलवार सुबह शॉर्ट सर्किट से परिसर में लगे 2 ATM धू धू कर जल उठे। ATM में अचानक आग लगने से स्टेशन पर हड़कंप मच गया। गार्ड से जानकारी पाकर मौके पर RPF और GRP कर्मी पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने एक ATM को पूरा जलने से बचा लिया है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।